गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का टॉपिक है आर्किटेक्ट कैसे बने आर्किटेक्ट का हिंदी मतलब होता है वास्तुकार आर्किटेक्ट रेजिडेंस पे काम करते हैं हॉस्पिटल्स पे काम करते हैं कमर्शियल पे पे इन सब को डिजाइंस करते हैं ये डिजाइंस करते हुए टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ताकि आप लोगों को वहाँ पर चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए आपको कोई समस्या नहीं आए चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि आर्कडे बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और आप ये जो कोर्स है ये कितने साल का होता है किस में क्या क्या स्कोप होते हैं इसकी डिटेल्स बताई जाएंगी और ये कोर्स करने के बाद आप जॉब में क्या स्कोप होगा आप स्टडी में क्या कर सकते आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के दो तरीके टेंथ प्लस तीन साल का डिप्लोमा डिप्लोमा आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो दूसरा प्लस टू मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट अनिवार्य हैं दोनों डिप्लोमा और प्लस टू में आपको मिनिमम पचास प्रतिशत से पास होना अनिवार्य है तभी आप क्वालिफाई करेंगे नाटा और आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब बात करते हैं फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं जे ई मेन्स होता है जे ई एडवांस होता है ए ट्रिपल ई जैसे फॉर्म्स होते हैं नाटा नाटा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर जो कि अथॉरिटी होती है सी ओ ए काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर की अब नाटा डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाटा का जो एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश में होता है ये तीन घंटे का होता है ये टोटल दो मार्क्स का होता है ये दो पार्ट्स में आता है एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है ऑनलाइन में आपको में कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए जाते हैं और जनरल क्वेश्चन होते हैं जो कि एस के आसपास होता है जो दूसरा पार्ट होता है ऑफलाइन का उसके अंदर आपको को ड्राइंग्स वर्क दिया जाता है जिसमें वन पॉइंट प्रेस्पेक्टिव हो गया टू पॉइंट प्रेस्पेक्टिव हो गया या एक कोई सीनरी बनाने के लिए आ जाती है उस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं ये दो सौ मार्क्स होता है दो सौ में से आपको अस्सी बार अस्सी मार्क्स लेके आने पड़ते हैं उसके तभी आप इसको क्वालिफाई करते हैं अब बात करते हैं कोर्स की टाइमिंग की ये पाँच साल का होता है छ महीने का एक सेमेस्टर होते हैं एक साल के अंदर दो सेमेस्टर होते हैं और पाँच साल के अंदर दस सेमेस्टर होते हैं पहले सेमेस्टर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है सेकेंड सेमेस्टर में आपको बेसिक डिजाइंस के बारे में और उसके बारे में बताया जाता है सेकेंड ईयर से आपको आर्किटेक्चर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं थर्ड ईयर में बिल्डिंग सर्विसेज होगी जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लबिंग इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है फोर्थ ईयर में आप का और डिटेल में हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है फोर्थ ईयर के सेकेंड सेमिस्टर मतलब एट्थ सेमिस्टर में आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जिसे ऑफिशियल ट्रेनिंग भी बोलते हैं जो स्कूल के कॉलेज के एजुकेशनल ट्रेनिंग पर्पज से की जाती है फर्म के अंडर कर सकते हो बिल्डर्स के अंडर कर सकते हो कंसल्टेंट ऑफिस के में कर सकते हो अब इसके बाद आपको फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पीपीएम प्रोफेशनल प्रैक्टिस मैनेजमेंट और सेटलमेंट प्लानिंग के जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है टेंथ सेमेस्टर में आपकी फ़ाइनल थीसिस होती है थीसिस पास करने के बाद आप को डिग्री मिल जाती है और आप आर्किटेक्ट बन जाते हो इसमें हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको हर साल पढ़ाए जाते हैं चैप्टर वाइज ताकि आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स में पता चले अब बात करते हैं जॉब की गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है वो पी डब्ल्यू डी में निकलती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट हाउसिंग में और टाउन प्लानिंग और एक्सेट्रा जैसे आप बहुत सी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट जॉब के लिए आपको आर्किटेक्चर फर्म्स हो जाती हैं बिल्डर्स के नीचे अंडर काम कर सकते हो रियल इस्टेट में काम कर सकते हो कंसल्टेंट्स के नीचे काम कर सकते हो या एन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अब बात करते हैं इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए आप लैंडस्केप में कर सकते हो अर्बन प्लानिंग में कर सकते हो हाउसिंग में कर सकते हो टाउन प्लानिंग में कर सकते हो या आप एमटेक या किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और यदि इसमें आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें